गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम. सो स्टूडेंट्स, हम आज रिविजन करेंगे वर्ब्स की. बट बिफोर दैट मैं आपको एक वर्कशीट डायरेक्ट करवाऊँगी वर्ब्स के लिए, जो आप अपनी बुक में करोगे. ठीक है? सो द वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 8 ऑन पेज नंबर 53. ठीक है? विल बी डूइंग टू क्वेश्चंस टुडे, ए एंड बी पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. वर्कशीट नंबर 8, पेज 53. वर्कशीट 8 में आपको क्या करना है, वी हैव टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन ए एंड बी. अंडरलाइन द वर्ब्स, वर्ब्स अंडरलाइन करने हैं. तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट वर्ब्स आर. वर्ब्स क्या होते हैं? देखो, एक सेंटेंस में, जैसे आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें क्या होता है? नाउन होता है या प्रनाउन होता है? होता है नाउन और प्रनाउन. नाउन्स और प्रनाउन्स क्या काम कर रहे हैं? व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या काम कर रहे हैं? वो जो काम है वो एक वर्ड हमें बताता है, उस वर्ड को हम वर्ब्स कहते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ. राम स्विम्स इन द पूल. तो देखो, इसमें नाउन क्या है, नाउन या प्रनाउन क्या है? राम. अब राम इस सेंटेंस में क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है. तो ये जो है स्विम, ये क्या हुआ? वर्ब्स हुआ. सेकेंड में देखो, द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन. चिल्ड्रन क्या है? खेलते हैं गार्डन में. चिल्ड्रन क्या है? नाउन्स, बच्चे नाउन है. अब वो क्या काम कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं. तो ये हमारा वर्ब हुआ. वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, और एक हम कहते हैं डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं. ठीक है? नाउ थर्ड है, अश्रिया टॉक्स टू हर फ्रेंड. अश्रिया क्या है? गर्ल है. तो ये नाउन है. अब वो क्या काम कर रही है? टॉक, बात कर रही है. सो टॉक विल बी वर्ब्स. ठीक है? मैं आपको 10 है तो 5 करवा दूंगी, 5 आप खुद करोगे. मिनी जंप्स ऑन द सोफा. मिनी इज अ गर्ल विच इज अ नाउन. एक मिनी क्या है? नाउन. उसका काम क्या है? वो क्या काम कर रही है? शी इज जंपिंग. तो जंप्स क्या हुआ? वर्ब हुआ. जारा ईट्स बिस्किट्स. जारा Eats biscuits. तो जारा नाउन. सबसे पहले आप ये ढूंढा करो कि नाउन या प्रनाउन क्या है. नाउन या प्रनाउन है जारा. अब वो काम क्या कर रहे हैं? ईट, खा रही है ना, वो बिस्किट्स खा रही है, तो ईट उसका काम है. ठीक है? जो बाकी के 5 बच के, दैट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है. आपको ये 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आपको देखना है कि वर्ब क्या है, मतलब काम क्या है एक्चुअली, और उसको हमने इस ब्लैंक में लिखना है. जैसे रन, जिराफ, अम्ब्रेला. अब इनमें से रन क्या है, जिराफ क्या है, अम्ब्रेला क्या है? ये देखो, अम्ब्रेला तो है नाउन, क्योंकि ये नेम ऑफ द थिंग है. जिराफ नाउन, नेम ऑफ द एनिमल. रन वर्क हो गया ना, काम हो गया, तो ये क्या हुआ? वर्ब. इसको किया सर्कल और इसमें लिख दिया. सेकंड, सॉन्ग, वॉक, क्रोकोडाइल. सॉन्ग और क्रोकोडाइल हुए नाउन्स, वॉक हुआ वर्ब. तो इसको किया सर्कल और इसमें लिख दिया. देखो, सॉन्ग की जगह सिंग होता, सॉन्ग की जगह अगर सिंग होता तो वो क्या बन जाता? वर्ब. ठीक है? अभी ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क में दूंगी मैं, वर्कशीट में, और ये आपको अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं.
ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।